तुम्हारे सामने भाई जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले साल के पीक का करीब करीब 3 गुना है। राष्ट्रीय राजधानी में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं, यह खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे से भी बयां हो रहा था। वह शनिवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो चेहरे पर चिंता के भाव आसानी से पढ़े जा सकते थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी हो गई है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी तेजी से घट रही है। चौथी लहर का पीक कब आएगा कोई नहीं जानता। उन्होंने केंद्र से अस्पतालों के आधे बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की गुजारिश की है। केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलीज़ुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है, तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होते हैं कि साहब फिर इतने दिन से कर क्या रहे थे? आखिर इस तरह की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? क्या उन्हें नहीं पता था कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऐसे में आगे जाकर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा? अरे